नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। पौड़ी में कोरोना के हालातों का जायजा लेने के लिए कोविड-19 जिला प्रभारी मंत्री और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पौड़ी पहुंचकर जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ कोरोना के हालातों पर समीक्षा बैठक की और इस महामारी में सभी कर्मचारी अधिकारियों को एकजुट होकर इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए अहम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में कोरोना से बिगड़ते हालात पर हरक सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हरक सिंह रावत ने बताया कि जिस तरह से कोरोना की वजह से स्थिति भयावह होती जा रही है, उसको लेकर सरकार भी 3 मई से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने पर मंथन कर रही है, जिससे स्थिति को और ज्यादा भयावह होने से पहले ही रोका जा सके। वहीं हरक सिंह रावत ने कहा कि जनपद पौड़ी की सीमाएं कई जनपदों और राज्य से मिलती हैं, जिसमें ये जिला संवेदनशील है, इसीलिए लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। कोविड पर बनी सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी जनता से अपील हरक सिंह रावत ने की है। चिकित्सक को भी हमने कहा है, पैरामेडिकल के लिए स्टाफ, उनसे कहा है कि कोई इमरजेंसी में आ रहा है और हमको लगता है कि ये फीवर है, उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, उसकी रिपोर्ट आए ना आए, हम उसके साथ उसको दवाई का और उसके साथ खुद के सुरक्षा के लिए बिना सुरक्षित, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स का भी, पैरामेडिकल का स्टाफ का जीवन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक को बचाने के लिए हम एक डॉक्टर को नहीं खो सकते हैं, एक फार्मेसिस्ट, एक नर्स को नहीं खो सकते, क्योंकि उसके ऊपर हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो हमने कहा है कि मैंने सीएमओ से और डीएम से कहा है कि आप सबको एक निर्देश देते हैं कि कोई भी इमरजेंसी में इस पर अगर इस तरह के लक्षण लग रहे हैं और उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, कोविड की या कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई है, तो हम हमारा व्यवहार उसके साथ उसी तरह होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है और हम उसी तरह अपने को उससे भी सुरक्षित है, उसका इलाज भी करेंगे और अपने को भी सुरक्षित रखेंगे। कोविड-19 के जिला प्रभारी मंत्री ने बताया कि श्रीकोट अस्पताल में बढ़ती संख्या में मरीज आ रहे हैं, इसको देखते हुए ऑक्सीजन बेडों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल पौड़ी, कोटद्वार, हंस फाउंडेशन अस्पताल सतपुली में भी ऑक्सीजन बेड को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में 3 यूनिट ऑक्सीजन अभी वर्तमान में चल रही है, इसको जल्द 4 यूनिट किया जाएगा। साथ ही कोटद्वार में ऑक्सीजन प्लांट को जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे काफी हद तक जिले को बड़ी राहत मिल पाएगी। हरक सिंह रावत ने समस्त चिकित्सकों को निर्देशित किया है कि कोई व्यक्ति आपातकालीन में अस्पताल पहुंचता है तो उसकी रिपोर्ट आने तक कोविड-19 के तर्ज पर अपना बचाव करते हुए मरीज को उपचार दें। यदि किसी मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और उसकी रिपोर्ट नहीं आई है तो उसे पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करें। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। कुछ समय पहले तक कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान यदि किसी अपने की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी शमशान घाट पर आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि महानगरों की तरह ऋषिकेश में भी अब यहाँ ये मंजर देखा जा रहा है। शहर में चंदेश्वर नगर स्थित शमशान घाट पर हर रोजाना 10 शवों को जलाने की ही व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान समय की चुनौतियों को देखते हुए शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित और नॉर्मल मृत्यु के 20 शव प्रतिदिन शमशान घाट पर जलाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शवों की संख्या ज्यादा होने पर दाह संस्कार के लिए परिजनों को अगले दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाट की ऐसी स्थिति एक और जहां लोगों को डरा रही है, वहीं ये चिंता का विषय भी बन गया है। चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार पर स्थित ऋषिकेश का राजकीय चिकित्सालय शुरू से ही सरकार की उपेक्षा का शिकार रहा है। वर्तमान समय में कोविड-19 का दौर चल रहा है और ऐसे समय में भी सरकार की ओर से राजकीय चिकित्सालय को सुविधाओं की संजीवनी मिलती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में जहां विपक्ष और व्यापारी लगातार व्यवस्थाओं को लेकर सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं, वहीं अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंगल ने भी सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कोविड-19 के कार्यों के लिए विधायक निधि से खर्च होने वाली 1 करोड़ की राशि में से 60 लाख राजकीय चिकित्सालय के लिए खर्च करने की मांग स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से की है, जिससे राजकीय चिकित्सालय में भी मरीजों को अच्छी व्यवस्थाओं के साथ बेहतर इलाज मिल सके। पहले तो धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि उन्होंने कोविड को देखते हुए 1 करोड़ रुपए विधायकों को दिया है
और हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने 40 लाख रुपए एम्स को दिए। इसके साथ मैं चाहूँगा उनको बाकी की निधि हमारे राजकीय चिकित्सालय जो मरणावस्था में है उसके लिए दिए जाएँ और वहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाए तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। कोविड 19 महामारी के सामने मानवता कितनी लाचार होकर हार मान चुकी है, जीता जागता उदाहरण उसका खेरसू विकास खंड की कोल्ठा ग्राम पंचायत के भैंसकोट गांव में देखने को मिला। यहां एक बुजुर्ग महिला का शव करीब 10 घंटे तक मुख्य मार्ग पर पड़ा रहा, लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही ग्रामीणों ने शव को उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की जहमत उठाई। प्रशासन ने गाँव में 3 PPE किट फेंक कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उद्धम सिंह नगर जिला प्रभारी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कोविड रोकथाम और संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार दिलाने को लेकर जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। सतपाल महाराज ने जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए बेड, ऑक्सीजन, ICU, वेंटिलेटर, दवाइयों के व्यवस्थाओं की समीक्षा की। हम लोगों ने ये हिदायत दी है कि नीचे स्तर तक ऑक्सीमीटर्स का होना जरूरी है। आदमियों को ये पता चले कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, इनके लिए अपने विधायकों से संपर्क करें ताकि विधायक निधि से इनको सहायता मिल सके। दवाइयों की पूरी तरीके से उपलब्धता की जानकारी ली गई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और ये भी निर्देश दिए कि आने वाले समय में अगर कोरोना का पीक होता है, ये महामारी आगे बढ़ती है, तो हमारे पास स्पेयर्स में ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए होने चाहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार की गई बाजार बंदी यानी कि लॉकडाउन की स्थिति कुछ शराब दुकान स्वामी को शायद मंजूर नहीं है। इसीलिए जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेशों का भी खुलेआम उल्लंघन करते हुए शराब की दुकान बेखौफ होकर खोली जा रही है और हरिद्वार में जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है, जिस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाया गया। मामला हरिद्वार प्रशासन के आला अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया। अब देखना होगा कि ऐसे लापरवाह शराब दुकान स्वामियों के विरोध प्रशासन किस तरह कार्रवाई अमल में लाता है या फिर मामला हवाई गलियारों में ही सिमट जाएगा। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए SSP पौड़ी पी रेणुका देवी द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत थाना सतपुली द्वारा बीते 7 दिनों में सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर अब तक 141 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत बिना मास्क पहने घूमना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और कोटपा अधिनियम में कार्रवाई की गई है, जिसके तहत अब तक ऐसे लोगों से 22,200 का जुर्माना लिया जा चुका है। जैसा आपको मालूम है वर्तमान में इस समय कोविड संक्रमण की दर बढ़ी है, ऐसे में आप सभी लोग कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें और जो भी लोग कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालन नहीं कर रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अभी आगे आपदा अधिनियम के तहत भी मुकदमे की कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।